कि मुझे इस सीरीज से यही देखना था, पाकिस्तान जैसे एक्सपोज हुई थी कि नंबर वन साइड है, एशिया कप में आ रही है, सेटल्ड साइड है, ये वो तबाह होके रह गई थी, राइट? बिकॉज एक के बाद एक मैच में उनका कोई इंजर हो गया, कोई बाहर हो गया, फॉर्म उनकी पता चल गई, बॉलिंग का उनका पता चल गया, स्पिनिंग स्पिन जो उनका डुओ था उसका पता चल गया, शादाब नवाज का, मिडिल ऑर्डर कौन का एक्सपोज हो गया, ओवरऑल भी एक्सपोज हो गया ना, 228 से इंडिया से हार गए, 42 ओवर में 252 चेज हो गया। यहां पर यही देखना था कि जब बड़ी साइड आएगी, और बिकॉज पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, नेदरलैंड ये खेल रही थी, उनको लग रहा था बहुत बड़ी टीम बन, हम भी एशिया कप जीत के गए थे, पहले दो मैच हमने बड़े तगड़े मारे हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चेज करते हुए क्या हमें वाकई में दिक्कत है, बिकॉज हमने देखा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी चेज करते हुए हमने फॉल्टर किया, और बार बार हम चेज करने में फॉल्टर कर रहे हैं। आज तो चलो 350 है, 350 तो बार बार बढ़ने नहीं वाला, ठीक है ना? लेकिन आज की गेम ने आपको क्या बताया, फ्लैट ट्रैक के ऊपर, ऐसे ट्रैक के ऊपर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे ओडीआई के अंदर जहां भारत को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसके अंदर एक तो भारत की बॉलिंग एक्सपोज हो गई है कि भारत की बॉलिंग बिल्कुल फ्लॉप हो गई तीसरे मैच के अंदर, और दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर में मैक्सवेल ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, तो आप मैक्सवेल से किसी भी हाल में किसी भी परफॉर्मेंस को उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि भारत का ख्याल ये था कि पहले दो मैचेस में हमने अपने नॉर्मल प्लेयर खिलवाए हैं, बड़े प्लेयर्स को लेट्स दिया है, तो हमने ऑस्ट्रेलिया को बासानी हरा दिया है, तीसरे मैच में बड़े प्लेयर्स खिलाएंगे तो उस बासानी हरा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी गेम डाल दी, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने मेन प्लेयर खिलाए, और ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर के सामने भारत के रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन, शुभमन गिल फ्लॉप हो गए। इनकी बैटिंग तो चली, लेकिन इनकी बॉलिंग ने इनको इतना नुकसान दिया कि वो चाहते हुए भी कुछ ना कर पाए। अपने होम ग्राउंड में खड़े होकर 350 रन का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया ने, चेस करते हुए भारत बिल्कुल फ्लॉप हो गया। इंडियन मीडिया कहना है कि भारत की टीम अच्छी है, भारत की बैटिंग बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भारत जब भी मार खाता है चेस की वजह से मार खाता है, क्योंकि पाकिस्तान का भी मसला यही है कि वो चेस नहीं कर पाता, और भारत का भी मसला यही है कि वो चेज नहीं कर पाता। इसी तरह अगर ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भारत के हरीफ ने पहले बैटिंग कर ली और भारत को चेज का ऑप्शन दे दिया, तो भारत बिल्कुल नाकाम हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर सीरीज के मैच में देख लिया कि भारत चेज नहीं कर पा रहा अपने ही होम ग्राउंड में खड़े होकर, तो ओडीआई वर्ल्ड कप में जहां पर टीम पे इतना प्रेशर होता है, वहां पर टीम किस तरह चेज कर पाएगी? और अगर इस तरह हुआ, भारत चेज ना कर पाया, तो भारत हार कर अपने ही होम ग्राउंड में हारेगा। इसमें हार्दिक पांड्या नहीं है, और एक शायद से जो आप अगर शुभमन गिल हैं, शुभमन गिल, मतलब सिर्फ बैटिंग में फर्क पड़ता आज जो सिचुएशन थी, क्योंकि आज हमारी बैटिंग भी थोड़ा वो थी, सुंदर ओपन कर रहे हैं। ये भी है मनोज, आपको देखो जो मर्जी है, आपको खाती है ऑस्ट्रेलिया है, वो जो नाम है ना ऑस्ट्रेलिया, वो नाम है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये दो बड़ी टीमें हैं तो हैं, ये आपको समझना होगा। मैक्सवेल ने बॉल बड़ा अच्छा डाला है, आपने जो एंगल्स की बात की, इनफैक्ट जो विराट का बॉल था मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा ना बॉल रुका भी, और बीच में जब उन्होंने रन रोके भी, अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने सैनफ क्या की, एक ऑफ स्पिनर जो है मिडिल लेग लाइन उन्होंने पकड़ ली, तो मिडिल लेग लाइन में क्या होता है, द मोमेंट आप ऑफ स्टंप के बाहर चले जाओ एक ऑफ स्पिनर वनडे मैच में, तो आप ना इधर रन खुल जाते हैं, द मोमेंट आप ऑफ स्टंप पे आ जाओ तो भी आपके रन खुल जाते हैं, बट जब आप मिडिल लेग पे आ जाते हो ना, तो मिडिल लेग में बैट्समैन थोड़ा डरता है अक्रॉस द लाइन मारने से कि यार मैं बोलना हो जाओ। और दूसरा आपके लिए फिर शॉट ये बनी है, या तो एक ऐसा बैट्समैन है जो फिर उसको स्वीपे मारनी शुरू करके भी नहीं होगा, क्या तो स्वीप ही नहीं मारते, ये होगा नहीं, स्वीप भी हाँ। आपके एक रोहित शर्मा मारते हैं, केएल थोड़ा मारते हैं, और सूर्य कुमार, सूर्य जो रहीम की मारते हैं, ऊपर से शुभमन खेलते हैं, लंबी पारी के बाद ही मारते हैं, रोहित तो खेलते हैं। शुभमन गिल का और हार्दिक पांड्या का ना रोल बहुत अहम रहेगा, मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया हैज टू डू वेल, मैं बार बार कहता हूँ, ऊपर से शुभमन गिल और बीच में जाके हार्दिक पांड्या, इनको ना एक बहुत अच्छा वर्ल्ड कप करना पड़ेगा, बिकॉज आपको मालूम है कि रोहित है आपके पास, आपको मालूम है विराट है आपके पास, बट ये जो दो है ना, ये दो जो तारे